या गुड मॉर्निंग। कल शाम में जो दोपहर में हमारे चंदनकुटा इंस्पेक्टर नागेंद्र प्रसाद वर्मा को एक इत्तला मिला था कि एक शख्स औरतों के न्यूड पिक्चर्स लेना और न्यूड वीडियोस बनाना घरेलू मसलों से आप लोगों को बाहर निकालते बोल के लोगों को झूठा एहसास दिलाते हुए वो कर रहे हैं बोल के एक इन्फॉर्मेशन आया था। उस सिलसिले में हमारे नागेंद्र प्रसाद वर्मा एक सोशल वर्कर के हेल्पर उनके मौजूदगी में एक डकैत ऑपरेशन करे। वो डकैत ऑपरेशन में एक सैयद हुसैन सन ऑफ आमिर अली 25 साल का है, लारी ड्राइवर काम करता, मोमिन गली राजेश्वर बसव कल्याण बीदर में रहने वाला शख्स है। ये इस शख्स को गिरफ्तार कर लिए। उनके पास मोबाइल चेक करने पर कई औरतों के नंगे वीडियोस और फोटोज, हाथ पैरों के फोटोज सब भी मिले। और उस सिलसिले में हम लोग एक FIR इश्यू करके हम उस पर तहकीकात कर रहे हैं। उसमें जो है सो वो लोगों के घरेलू मसलों में और जिस्मानी प्रॉब्लम से दूर करते बोल के एक झूठा एहसास दिला के उन्होंने औरतों को फोटोज ले रहे और इन्हों जो है सो यहाँ के उनके साली साहबा का घर को आए, उन्होंने उनके घर को आके 4 दिन से वो काम कर रहे हैं बोल के मालूम हुआ। इनको जो है सो एक चारमार पे एक औरत मिले थे, उन्होंने हेल्प करे बोल के मालूम हुआ। और ये निकाले से वीडियोज भी इनके एक दोस्त गुलबर्ग में रहने वाले शख्स को व्हाट्सएप में भेजा बोल के मालूम हुआ। उस सिलसिले में हम केस दर्ज करके तहकीकात कर रहे हैं। और इसमें सबसे गुजारिश है अगर कोई भी ये आदमी के झूठे इल्जामों के झूठे उसको शिकार हो सो कोई भी औरत है तो कोई भी शख्स है तो हमारे पास आके आप लोग इन्फॉर्मेशन दीजिए। और केस करना है और भी ये लोग ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ी से खड़ी एक्शन लेना है और अंदरूनी गहराई से अपन इसके एविडेंस इकट्ठा करना है। इस सिलसिले में जो हमारे CP साहब सीनियर आनंद साहब और हमारे DCP साई चैतन्य साहब के निगरानी में ये पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इन्वेस्टिगेशन में और कुछ भी आए तो अभी सेक्शन से ऐड करके अभी वो लोगों के ऊपर खड़ी से खड़ी सजा दिलाने के लिए हम लोग कोर्ट में पेश करेंगे। ये एक्टिविटीज फिलहाल तो 4 दिन बोल रहे हैं लेकिन हम लोग साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करेंगे। उस सिलसिले में साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करके लोग कब से कर रहे हैं, ये पूरा कितने लोगों का निकाले, कौन कौन औरत है, वो लोगों का एविडेंस भी लेना है, ये सब करना है तो हम ये सब करेंगे। फिलहाल तो एक ही हुए, अभी भी होने वाला चांस है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करेंगे। उस सिलसिले में साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करके लोग कब से कर रहे हैं, ये पूरा कितने लोगों का निकाले, कौन कौन औरत है, वो लोगों का एविडेंस भी लेना है, ये सब करना है तो हम ये सब करेंगे। फिलहाल तो एक ही हुए, अभी भी होने वाला चांस है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इतने फोटोस मिले सर अभी तक, फोटो अभी कितने लोगों का आप हम नहीं बता सकते हो। इससे पहले भी हैदराबाद आए थे और फिलहाल तो इन्फॉर्मेशन है 4 दिन। उन्होंने पहले न्याय बोल रहे हैं लेकिन आए न्याय हर चीज भी साइंटिफिकली वी विल कलेक्ट द एविडेंस। फिलहाल तो एक ही है, फिलहाल तो एक ही है। इनके पीछे और कौन है और कौन कौन है, क्या क्या कर रहे हैं, वो पूरा भी हम तहकीकात में बाहर लाएंगे। अब जनरल थोड़े लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों का नंगे वीडियो वेबसाइट पे अपलोड करते, उसको व्यूज और उसका कंटेंट के लिए ऐसे पैसे कमाते और या नहीं तो ये लोगों को डरा के आप लोगों का वीडियो आए उनके डरा के कुछ गलत हरकत कराने के चांसेस रहते। वो कौन सा हो रहा क्या है, वो हम लोग कौन से एंगल में जा रहा है, ये पूरा हम वो एंगल में हम लोग तय करते हैं।